जो कबड्डी खेल का जो लुत्फ उठाने का जो क्रम है वो लगातार जारी है, अलग अलग टीमें अलग अलग मैच खेल रही है। ऐसे में हमारे साथ खुद लुत्फ उठाने माधवेंद्र जी भी आ गए हैं। माधवेंद्र जी से ही बात करते हैं कि वो लुत्फ उठाने जो आए हैं उन्हें ये कैसे, सबसे जो अगर इस गेम की बात की जाए तो सबसे जो सबसे रोमांच जहाँ होने वाला है, सबसे ज़्यादा उत्साह जहाँ होने वाला है, वो कबड्डी का मैच है। आप खुद देखने पहुँच गए, रोक नहीं पाए। देखिए मानव स्वभाव है, जहाँ उठा पटक होती है वो सबको पसंद रहता ही है। सहज शांत स्थिति जहाँ की रहती है वो उतना नहीं लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब कबड्डी जैसा खेल हो रहा हो, दो प्रतिद्वंदी टीमें जूझ रही हों आपस में, किसी भी कीमत तक जाने को तैयार हों, स्वाभाविक है कि वहाँ हर कोई पहुँचे। आयोजन के बीच इतना समय, मतलब कैसे समय मिल गया कि चल के कबड्डी देख लेते हैं? नहीं नहीं, वो तो मन को कोई नहीं रोक सकता है, तो ऐसे मन को कोई नहीं रोक सकता। वैसे सर से हम आराम से बात करेंगे, लेकिन हम खुद को ना रोक पाए इनको कबड्डी देखते हुए। तो अभी आप देख सकते हैं अलग अलग जो मैट है, अलग अलग टीमें अपने खेल का आनंद उठा रही हैं, और ऐसे में जैसा हमने बताया कि लोग आए हुए हैं और मैच का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि हिमाचल की जो टीम है वो अपने पारी का इंतजार करे कि उनका जो मैच है वो कब होगा। तो इन्हीं से बात करते हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं? दक्षिण हिमाचल से है, दक्षिण हिमाचल से। तो आप लोग का मैच कब है? मतलब हमारा मैच अभी शाम तक हो गया, 12 बजे तक। अच्छा 12 बजे तक मैच होगा, तो अभी तक पता चला है किस टीम से आपको खेलना है? हाँ, गुजरात वाली टीम से खेलना है। पूरा तैयारी है? जी भाई, पूरी तैयारी है। जी एकल भारत पे अगर आप देख रहे हैं, एकल आचार्य वो जो एकल विद्यालय चलाते हैं, तो इनके पास वो जिम्मेदारी है इन बच्चों को लेके आने के लिए। पहली बार मैच खेलने आए, कैसा लगता है कि एक एकल अभियान ने आपको एक ऐसा मंच दिया सजा के, जहाँ पे आप अलग अलग टीमों के साथ खेल सकते हैं, अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे को, सभी खिलाड़ियों को। क्या इससे पहले कभी नेशनल खेला था या स्टेट लेवल खेला था? स्टेट लेवल खेला था, नेशनल नहीं खेला। नेशनल पहला है एकल अभियान से। एकल अभियान से पहला है, तो ऐसा मंच हिमाचल से चल के नागपुर आना, एक अभियान ने ऐसा मंच दिया कि अपने प्रतिभा को निखारो, कैसा फील हो रहा है? कभी सोचा था कि आप खेल पाएंगे? नमस्कार, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर नागपुर में नेशनल खेल रहे हैं। हम अपनी टीम को लेकर आए और हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, पूरी मेहनत से खेले गए, तैयारी करके आए हैं। जो साई है कि एकदम डाउन है, ट्रेन तुम्हारी बहुत ट्रेन लेट थी। तो ऐसा नहीं ना हो ट्रेन, मतलब जोश भी लेट हो गया है? ना जोश नहीं हुआ, लेट जोश तो बहुत है। धीरे धीरे बोल रहा है, जोश तो बहुत है। कितना जोश है? बहुत है, कमी नहीं है जोश की। तो मैच का इंतजार है? ये अपने मैच का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन भले लेट हो लेकिन जीत दिखाने में लेट नहीं होगा। तो एक मैच जो खत्म हुआ राजस्थान के साथ, उसमें उत्तराखंड की जो बेटियां थी वो अव्वल रही, इस मैच को उन्होंने जीत ले, लेकिन फाइनल नहीं जीता। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें खेल के, और यहाँ का अनुभव देख के हमें बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले आप लोग मतलब कभी कोई नेशनल खेला है कि? जी सर। कहाँ से? सर फेडरेशन और स्कूल से गेम का नेशनल खेल रखा। लेकिन जब आप ऐसे देखते हैं कि कोई एक अभियान की तरफ से ऐसे गेम का आयोजन हो और इतना आपको प्रैक्टिस और इतने अलग अलग टीमों के साथ खेलने को जो मौका मिलता है, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो एकल अभियान है वो इतनी उसमें वो कर रहा है, और टेन का एकल अभियान वालों का बच्चों के प्रति, मतलब खेल में भी वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चों को। अगर जैसे कुछ दिन पहले देखा जाए कि जिस हिसाब से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, कि आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को प्रो कबड्डी में देखते हैं आगे, प्रो कबड्डी लीग में। एक ऐसा मंच, आप भी लोग इनके साथ ही हैं? हाँ। कहाँ, कौन सा जिले से हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन से जिले? उधम सिंह नगर से। यहाँ पे किसने आपको, कौन लेके आया? ममता मैम, आचार्य, जो एकल विद्यालय के आचार्य। हाँ जी। तो आप सब लोग एक ही गांव के हैं? हाँ जी, एक ही गांव के। अच्छा, गांव घर वाले प्राउड फील करते हैं कि नहीं? हाँ जी, बहुत प्राउड। ये वो टीम है जो अभी उत्तराखंड की, जो जिन्होंने राजस्थान से जीत हासिल की है, अब इनको इंतजार है अपने अगले मैच का, और हमें इंतजार है फाइनल जीतने का। तो कबड्डी के बाद अब नंबर आता है कुश्ती का। आप देख सकते हैं कुश्ती के लिए जो मैट है वो बिछ के तैयार है, और अलग अलग किलो वर्ग में जो खिलाड़ी हैं वो अपने क्रम बना के तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो पहलवान है वो अपने जो वेश है उसको भी उन्होंने धारण कर लिया, अपने वेश में आ चुके हैं। अभी जो क्रम बैठाने का बन रहा है वो एक किलोग्राम में 48 किलोग्राम का
जो लाइन है वो बन रहा है। 48 किलोग्राम के जितने खिलाड़ी हैं वो एक क्रम में बैठेंगे, उनका आपस में मैच होगा और उसमें से फाइनल खेला जाएगा। ऐसे ही अलग अलग जो वर्ग हैं, अलग अलग जो वजन है उसकी कैटेगरी बनेगी, उसमें ये तय होगा कि कितने खिलाड़ी एक वजन के कैटेगरी में आते हैं। 48, 52, 55, 60 ऐसा कुछ क्रम होगा जिसमें ये प्रतियोगिता खेली जाएगी और इसमें से हर वर्ग में, हर वजन के वर्ग में एक विजेता चुना जाएगा। तो अभी पहले आप देख सकते हैं मंच के दूसरी तरफ जो वहाँ पे वेट होने का जो क्रम है वो जारी है, वहाँ पे वजन नापा जा रहा है, वहाँ वजन देखा जा रहा है कि कौन खिलाड़ी किस ग्रुप में आएगा, किस वजन के ग्रुप में आएगा। यहाँ पे जो अधिकारी हैं, खेल कूद अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसको किस वर्ग में रखना है। उनका पहले वजन हो रहा है, उनका फिटनेस देखा जा रहा है कि क्या सच में वो खेलने योग्य हैं कि नहीं, वो फिट हैं या नहीं है। तो यहाँ पे एक क्रम बन के, एक लाइन आप देख सकते हैं वो बन के तैयार है। ये 48 किलो ग्राम में खेलने वाले हैं, 48 किलो का ये वर्ग बन के तैयार है। अब इनके बीच में आपस में प्रतियोगिता होगी। देवभूमि उत्तराखंड के जो बालक वर्ग हैं या बालिका वर्ग, दोनों ने अपने पहले जो मैच है उसमें उन्होंने परचम हासिल किया और दोनों ने जीत हासिल की। तो इन टीमों से पहले बात करते हैं एक एक करके, आपकी जो पहली जीत है वो कितने नंबरों के अंतर से हुई? वो 50-10। 50-10 यानी आप लोग ने 50 पॉइंट हासिल किया और सामने वाली टीम ने 10। तो किससे के साथ आपका मैच था? पश्चिम उत्तर वालों। अच्छा, तो क्या लगता है कि अगला मैच आपका भी सुनिश्चित नहीं है किसके साथ होगा? तो यहाँ जब आप आए उत्तराखंड से तो कैसे कोऑर्डिनेट हुआ, किसने लाया, कैसे ये मंच के बारे में पता चला आपको कि एकल अभियान द्वारा ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन है? हमारी दीदी और ने बहुत मतलब दूर से लाया हमें, हमारी दीदी और भैया और हमारे साथ भैया दीदी और। तो इससे पहले कि आपने किसी और से नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल कोई गेम खेला है? विद्या भारती के खेले हैं वैसे तो। अच्छा, नेशनल तक खेले। अच्छा, एकल वाला सबसे पहले हमने वहाँ खेला विकास नगर लागा में, और उसके बाद वहाँ खेला विकास नगर में, उसके बाद स्टेट वहाँ उधम सिंह नगर में, फिर नेशनल यहाँ पे आए। अच्छा, मतलब एकल से ही खेला? जी, एकल से। अगर आप देखते हैं कि एकल अभियान ऐसा मंच देता है तो आपको क्या कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगेगा। ये किट उट सब किसने दिया? एकल एकल पूरा मतलब खेल का एनवायरनमेंट मिला एक जी। हाँ, प्रैक्टिस और कोच? सर, कोच तो हमारे अखिलेश भैया है। अच्छा, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग और ये सब क्या रूल होते हैं, कैसे खेलना है जी भैया। तो आप देख सकते हैं कि बस मंच ही देना नहीं, एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग भी देना कि कैसे आप अपने गेम को खेले और कैसे निखारे। इतने बड़े खेल आयोजन के पीछे जरूर कोई ना कोई संरचना रही होगी, मंथन रहा होगा। ऐसे में केंद्रीय खेल प्रमुख जी हमारे साथ हैं, तो पूरा आप कितने दिन का मंथन था, कितने सालों का मंथन था, क्योंकि अलग अलग संभाग, अलग अलग जिले, अलग अलग जनपद में गेम कराने के बाद ये नेशनल लेवल के गेम का आयोजन हुआ होगा, तो कितने दिनों की ये मेहनत है? वैसे देखा जाए तो ये तो 34 वर्षों का पूरा प्रयास है जब से हमारा अभियान शुरू हुआ। लेकिन हम लोगों ने जब 34 वर्ष प्रारंभ हुआ उससे पहले के बाद देखा कि हमारे निरंतर विद्यालय तो चल रहे हैं, लेकिन विद्यालय से जो बच्चे पास आउट होते हैं उनके पास क्या काम बचा? 1 से 3 तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हमने दिया, इसके बाद वो निकल गए, तो उनके पास क्या काम बचा? तो जब देखा गया कि गांव में सब नशे की लत में परेशान है, उनके पास कोई ऐसा गेम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, और ड्रग्स के चक्कर में ज़्यादा चपेट में लोग आ रहे थे, बच्चे हमारे जो आ रहे थे, क्योंकि जो आसुरी शक्तियाँ हैं हमारे गांव की संस्कृति को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अब टारगेट बनाना बच्चों को प्रारंभ किया है। तो अभियान ने विचार किया और पिछले 2 वर्ष से, आज ही हमारा द्वितीय सीजन है, कि हम अगर युवाओं को खेल से जोड़ेंगे तो नशे की लत से वो दूर हो जाएंगे और अपना भविष्य भी उत्तम कर पाएंगे। तो ये अभी कितनी टीमें आई हैं, कितनी संख्या है, कितने लोग आए हैं, कितने बच्चे आए हैं, कितनी बच्चियाँ आई हैं? इसमें 31 टीमें आई हैं और इसमें 1,250 के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 650 बालिकाएं हैं और 600 बालक हैं। कितने गेम होंगे इसमें? हमारे 7 प्रकार के गेम हैं, तो कबड्डी, बालक बालिका, रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और आपकी कुश्ती है 4 प्रकार की, 45 kg, 48 kg, 51 kg और 55 kg वेट ग्रुप में, योग है और लॉन्ग जंप, हाई जंप, बालक बालिका। अच्छा, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप किस ग्राउंड में होने वाला? वो हमारा जो रनिंग ट्रैक वाला ग्राउंड है जहाँ अभी मैच कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ कल ज्योति यात्रा वाला, वहीं दोनों इवेंट होंगे। तो ये थे नरेंद्र सिंह चंदेल जी जो केंद्रीय खेल प्रमुख हैं और बता रहे थे कि आखिर ये खेल भावना, ये खेल का विचार आखिर
आया कहाँ से? कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ में ब्रजेश तिवारी, नागपुर।